जो चीजें एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है वो हमें पता चली, सही बात है, कश्मीर इंडियन कश्मीर रेट्स में तो यार बहुत ज्यादा फर्क है। आटा उधर 32 है, इधर 150 के आसपास है। चावल उधर 28 है, इधर 450 के आसपास, 450 बिल्कुल ऐसे। और जबकि पाकिस्तान चावल बनाता भी काफी हद तक है, खुद आटा गंदम भी काफी बनाता है, लेकिन इन्होंने बाहर बेच बेच के अजीब सी पॉलिसीज है सारी जो है जो भी सब। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर से एक यूट्यूबर है, वो पब्लिक रिएक्शंस लेने जा रही है और वो वेजिटेबल मार्केट में जाके हमारे यहाँ की प्राइसें पूछ रही है और उसको पीओके में जो प्राइसेस है अभी रमज़ान के समय में उनके साथ कंपेयर कर रही है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका टीआरके न्यूज़ पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूं भारत के कश्मीर के सब्ज़ी मंडी में और हम यहां पर पता करेंगे कि क्या यहां भी माह रमज़ान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों की रेट्स इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन पीओके में हैं वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी ये जो तकलीफ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसे ही हालात हैं कि यहाँ भी प्राइजेस जो हैं सब्जियों की वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं या सेम है या घट चुकी हैं। हम यहाँ पर कुछ सब्जियों की प्राइजेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ की शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्जी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। कम ही होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमजान मुबारक छुई। खैर मुबारक। तो बहका तो एक सवाल पूछे तो अस्कर उर्दू मज़ेकात क्या इसकी सॉरी बोजन एंड ये मंशना कशर तागा की। ओके ओके। तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5? हाँ 16.5। और प्याज, प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। हाँ टमाटर का प्राइस बता दीजिए यहाँ पे, इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर। टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर ही, तो 30-32 रुपए किलो होता है टमाटर। आप मुझे बताइए क्या माह रमजान में कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2-3 रुपए के मालिक है, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है। हम लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है, अगर बढ़ा भी है तो? हाँ, मतलब जैसे मटर है ये रमजान से पहले था 100 का 4 किलो 25 रुपए किलो। हाँ। आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा 80 से 80 हो गया। 80 हो गया। अच्छा। वैसे ये बीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो, ये आज है 70 रुपए किलो। ये कौन सी सब्जी बताई आपने? बीन, राजमा। राजमा, अच्छा। हाँ, बीन। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुई है, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोजेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर प्याज 140 रुपए किलो और टमाटर लगभग 150 रुपए किलो की मिल रही है? मैंने सुना रेट। हाँ। आपने सुना है रेट? आपने सुना वहाँ का रेट इतना बढ़ गया? दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है। जी नहीं, मैं पार वालों की बात कर रही हूँ, वो भी हमारे जैसे जो हैं वो भी। जी आप ये माइक ले लीजिए।
तो जो पार वाले वो भी हमारे, वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं हैं वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। उनके साथ भी, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए वहाँ की रेट, टमाटर चढ़ गए जी, तो बाहर वालों की रेट आसमान ऊपर। तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों के लिए? जिस तरह यहाँ होता है जी, माह रमजान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपया उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए, वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना उसकी बात छोड़ो, जो 400-500 दिन में कमाता है शाम को खाता है उसका सोचना है, वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत की का हिस्सा है उस तरफ, उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमज़ान में, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोज़ेदार भाई बहन हैं वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे चावल दाल और इन सब चीज़ों की रेट्स क्या चल रही है। तो नाज़रीन अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में, अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही है कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक शु सारने। मुझे आपसे ये पूछना था, हम जरा अस्करा उर्दू मस्कात, मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही है? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, 100 रुपये लेयर की। अच्छा, एक ही रेट नहीं, आज तो डाउन रेट, आज से 10 रुपया उतर गया। अच्छा, कल 140 था बॉयलर। अच्छा, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? नहीं, इसमें कोई भरोसा नहीं होता है, फिलहाल तो वही है, एक दो दिन में देखेंगे क्या रेट, फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान। तो 140, 150, 130, 140 मुझे आपको पूछना है की बॉर्डर पार जो है वहाँ 750 रुपए किलो है चिकन का, वो भी माह रमजान में, तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन, तो जाहिर सी बात है वो भी रोजेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन का? ये तो हम तो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें तो उधर के मॉल में वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं क्या पहुँचते हैं कोई बात पता नहीं, हम तो अपनी स्टेट की अपनी मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो फिलहाल इंडिया ही। अरे वाह जियो। चलो तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ बिजनेस में हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमज़ान में जो है उन पर कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनको इतनी महंगाई में 750 रुपये केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अब आइए हम आटे दाल आटे चावल की इनकी भी प्राइजेस पता करते हैं इस मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमज़ान मुबारक छू तो ही। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी, आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप डीलर हैं यहाँ पर आटे दाल चावल और इन सब चीज़ों की इस मार्केट में, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह, तो आप कितने सालों से डीलर हैं इन चीज़ों में? कम से कम यहाँ से मैं 20-25 सालों से बैठा हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आज 2023 के माह रमज़ान में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, आटे का क्या प्राइस है आज? आटे का अभी 32 रुपीस पर केजी जी, और क्योंकि अच्छी ना आटा खेवान के ज्यादा हम ज़्यादा खाते हैं
चावल और ये सारी चीज़ें, तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज़्यादा खाते हैं। नहीं, कश्मीरी ज़्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज़्यादा। तो वो पर केजी आता है 28 रुपीज़। पर केजी 28 रुपीज़। क्या आपको अंदाज़ा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमज़ान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपये के जी में बिक रहा है और चावल जो है 450 रुपये के जी में। तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएँ ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमज़ान में? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं, वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फ़ायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। अभी मैं इधर की बात बोलूँगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। उतर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300-400 रुपया अभी कम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं, उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमज़ान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स, या बढ़ गए या उतने ही हैं जितने माह रमज़ान से पहले? माह रमज़ान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इम्पोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो भाई साहब फौरन हमारे जो कैलकुलेशन चलना शुरू हो जाते हैं, भाई साहब हम कन्वर्ट करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतना ज्यादा फर्क रह जाता है, फिर दांत खट्टे ही हो जाते हैं। कसम से यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये कि मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं ना भाई आज एक ना कमेंट पढ़ रहा था भाई, जो आज हमने सुबह इधर पाकिस्तान साइड वाली जो वीडियो ली थी ना कि इधर जो फ्रूट है वहाँ, वो तो आपने खैर देखी होगी वीडियो, तो वो ना मैं वहाँ से एक लेने लगा, उसका टाइटल लेने लगा, तो नीचे ना एक कमेंट पर मेरी नज़र पड़ी, तो वो भाई पाकिस्तानी था, वो बोल रहा था कि भाई आप देख ले कि आज पाकिस्तानी इतना खुशकिस्मत है, आज भी इंडिया से सस्ती चीज़ें भाई खा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के लोकल जो यूट्यूबर्स है वो भी इस तरीके से अब पब्लिक में जाके रिएक्शंस ले रहे हैं और उनको आज़ादी से वो ऐसे घूम फिर कर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमें उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैडम ने जो रिएक्शन लिया है, उनका चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और जहाँ तक बात रही प्राइसिस की, तो वहाँ पर तो ये लोग वो लोग तो देखकर भी कुछ सीखने वाले नहीं है, और हम हमारे यहाँ का कितना भी अच्छा दिखा ले वो देखकर सिर्फ रिएक्शन के लिए खुश होगे, लेकिन अपने यहाँ गवर्नमेंट को तो कुछ प्रोटेस्ट या ऐसा कुछ करके बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ही कुछ और चीज़ों पे चलता है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं वो तो नॉर्मल है, अगर सीजन वेजिटेबल है या फ्रूट्स है तो इस तरीके की चीज़ों के दाम तो बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आप अनियंस टमेटोज या ऐसी चीज़ें हैं उस पर ऐसा नहीं है कि त्योहारों के समय उनकी प्राइसें बढ़ जाती है, तो और उनके कंपेयर में तो हमारे यहाँ कितनी कम दाम है, क्योंकि हम इतना प्रोड्यूस भी करते हैं और फार्मर्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।